आप लोगों के लिए जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी लेके आया हूँ, जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी लेके आया हूँ। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी लेके आया हूँ, जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी लेके आया हूँ। किस डिपार्टमेंट में आई है वो भी बात करेंगे, और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मांगा है इसमें, एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल की बात एंड में करेंगे, पहले इस वैकेंसी की बात करेंगे। ये वैकेंसी कहाँ निकली है? देखो, ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। और इसकी बात करते हैं, पोस्टें बहुत सारी आई है इसमें, 89 टोटल वैकेंसी आई है। जूनियर ऑफिसर लीगल पहले ही लिखा है लॉ वाली, और जूनियर ऑफिसर विजिलेंस, मैनेजमेंट ट्रेनी, मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनी, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर होगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सिविल इंजीनियर ट्रेनी, एग्रीकल्चर ट्रेनी, मार्केटिंग ट्रेनी, क्वालिटी कंट्रोलर ट्रेनी, स्टेनोग्राफर ट्रेनी, एग्रीकल्चर स्टोर, ये होगा। और तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपनी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी की बात करेंगे, जो जूनियर ऑफिसर है लीगल में आई है। टोटल 4 वैकेंसी आई है, और लॉ में वैसे टोटल 89 है, बट लॉ में 4 वैकेंसी आई है। अदर की 2 है, ईवीएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी एसटी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। तो टोटल 89 वैकेंसी में से 4 वैकेंसी जूनियर ऑफिसर की है लॉ की। अब बात आती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो पहला पॉइंट पड़े प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप कहीं से भी हो इंडिया में, आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी का। और आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करोगे तो आपको आपका होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगी, तो इसका बेनिफिट ये रहेगा। ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग के बेनिफिट ये रहता है, तो इसको मिस ना करें, जो जो एलिजिबल है उसको फिल करें। वैकेंसी यहाँ 4 आई है, बट गवर्नमेंट जॉब है इतनी निकलती है, और रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो गवर्नमेंट की जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है। अब इसकी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। जूनियर ऑफिसर 1 लीगल की जो क्वालिफिकेशन है, देखो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, परसेंटेज नहीं दिखा इसमें कुछ भी, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी डिपार्टमेंट में हो, या आपका एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो। ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल है वो, और बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, डिटेल में जा सकते हो, सब चीज की फोटो लगा रहा हूँ जिसके लिए आपके आसान रहेगा। और साउंड के लिए थोड़ी सॉरी, जो सामने बाईपास है, माइक लगा रखा है, फिर भी कोई साउंड आ रहा हो तो उसके बाद भी उसके लिए सॉरी। तो इसमें क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री चाहे 3 साल वाली हो, 5 साल वाली हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, साफ साफ लिखा, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल मैटर इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन और विद एक्सपीरियंस एडवोकेट। और वर्ड यूज किया, एंड वर्ड एंड नहीं किया, और किया, तो एडवोकेट का भी एक्सपीरियंस चलेगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस शैल बी डिजायरेबल, ये सारी चीजें हैं। और डिपार्टमेंट वाले भी फिल कर सकते हैं, जो इस डिपार्टमेंट में पहले से है वो भी फिल कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इसकी एज, पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। जूनियर ऑफिसर लीगल की सैलरी रहेगी, स्केल पे रहेगी 22,000 से लेकर 77,000 तक। बेसिक पे होगी 22,000, आपको डीए मिलेगा 39% के आसपास, 8,624 रुपए। और बेसिक पे का पर्क्स भी मिलेगा 30%, 6,600 रुपए के आसपास। टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी 37,000 के आसपास, और एचआर इंक्लूड नहीं है, तो सैलरी भी लगभग आपके 40,000 के आसपास बन जाएगी। तो सैलरी भी अप्रोक्स बन जाएगी, क्योंकि एचआर इंक्लूड नहीं है, एचआर भी मिलेगा आपको, बहुत सारी फैसिलिटी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए तो ये जॉब आप मिस ना करें। और इसकी एज है मैक्सिमम 30, जूनियर लीगल की बात कर रहा हूँ। और एज रिलैक्सेशन भी एसटी वालों के लिए 5 साल है, ओबीसी वालों के लिए है 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है एज रिलैक्सेशन। ये 3 स्टेज में होगा, पहला पेपर रिटर्न होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर स्टेज 3 होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा। इसमें सारी चीजें हैं, ये लिखा हुआ है, एग्जाम पैटर्न आप देख लेना, फोटो लगा दी मैंने, तो आपके लिए सही रहेगा। और देखो, ये रेगुलर सर्विस, इसमें क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, इसको ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका सुपरवाइज करना पड़ेगा, इसलिए लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, केस जो पैनल एडवोकेट होता है उनसे डील करना पड़ेगा, सारी चीजें यही रहती है लॉ ऑफिसर की, पैनल एडवोकेट जो कोर्ट केस चल रहे होते हैं उनसे डील करना पड़ता है, सुपरवाइज का काम है आपका, कभी कभी कोर्ट फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, सारी चीजें हैं।
और ये देखो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है साफ साफ, जूनियर ऑफिसर लीगल में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए परमानेंट जॉब है, मिस ना करना इसको आप। मैं इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ आपको क्या रहेगी। देखो 28 अगस्त 2023 से चालू हुआ है और लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023, एक्सटेंड भी हो सकती है अगर हुआ तो। और इसका जो टेस्ट होगा 10 अक्टूबर 2023 को होगा, टेंटेटिव है, तो ये मैंने आपको डेट भी बता दी। अब बात करते हैं चैनल की, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए ऑल ओवर इंडिया मैं बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए मैं बताता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, कभी मैं व्लॉग भी बनाता हूँ सिविल जज के साथ, तो सोशल लाइफ देखने को मिल जाती है, लाइफस्टाइल भी देखने को मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कभी कोर्ट जाना होता है तो मैं कोर्ट का भी दिखाता हूँ, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो चैनल। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आप जैसे मुझे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।